भारत ने कंबोडिया से 307 भारतीयों को रेस्क्यू किया है। इन्हें फ्रॉड एजेंसी ने नौकरी का लालच देकर कंबोडिया भेजा था। वहां इनसे साइबर फ्रॉड जैसे काम कराए जाते थे। भारतीय दूतावास के मुताबिक इन्हें जिनेबेई 4 नामक जगह से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। दूतावास के मुताबिक 60 नागरिकों का पहला जत्था वापस स्वदेश लाया जा चुका है। बाकी लोगों के ट्रेवल डॉक्यूमेंट और अन्य चीजों की जाँच की जा रही है और उन्हें भी जल्द ही स्वदेश लाया जाएगा। बता दें, दूतावास ने बताया कि सिहानो केविले प्रशासन की मदद से ये ऑपरेशन चला। इसके लिए उन्होंने कंबोडियाई प्रशासन को धन्यवाद भी कहा है। वहीं भारतीय दूतावास कंबोडिया में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। एडवाइजरी में सलाह दी गई है कि सिर्फ विदेश मंत्रालय द्वारा अप्रूव किए गए एजेंटों की मदद से ही नौकरी की तलाश करें। इसमें खास तौर से टूरिस्ट वीजा पर नौकरी तलाश करने जाने वाले इच्छुक लोगों को चेतावनी दी गई है। अभी भी लगभग 5,000 भारतीय कंबोडिया में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।